बताइए हनुमान जी के समान कौन बड़भागी है? अरे हनुमान जी इतने बड़भागी क्यों हैं? क्या केवल हनुमान जी बड़भागी हैं और कोई नहीं है? नहीं, और भी हैं। अच्छा, कितने प्रकार के बड़भागी? 5 प्रकार के बड़भागी हुए। कितने प्रकार के? 5। एक होते हैं बड़भागी, लेकिन एक होते हैं अति बड़भागी। एक बड़भागी, एक अति बड़भागी, एक अतिशय बड़भागी, एक परम बड़भागी, एक हनुमान जी सम नहीं बड़भागी। लेकिन ये 5 बड़भागी कौन कौन है? तो पहले होते हैं बड़भागी। बड़भागी कौन है? रामायण में उत्तर आया, बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना। बोले भैया हैं? बोले कौन? बोले अंगद और हनुमान दोनों बड़भागी। पर अंगद और हनुमान जी बड़भागी क्यों हैं? बोले जो सत्संग से जुड़े वो बड़भागी है। जो सत्संग से जुड़े वो बड़भागी है। अंगद जी और हनुमान जी राम जी के सत्संग से जुड़ गए, संग से। अच्छा, सत्संग का मतलब सत्संग, संग करना। जैसे कहते ना संग साथ, ऐसे ही संग करना। संग 2 प्रकार का होता, एक होता कुसंग, एक होता सत्संग। कुसंग में क्या होता? पौवा चेस। और सत्संग में क्या होता है? जो हम तुम कर रहे हैं, इसी का नाम सत्संग है। तो बड़भागी कौन? बड़भागी अंगद हनुमाना। तो एक बड़भागी हो गए, लेकिन ये तो केवल बड़भागी है। अति बड़भागी कौन है रामायण में? आहा, अति बड़भागी भी रामचरितमानस में आए। बोले भैया अंगद और हनुमान अगर बड़भागी हैं, तो अति बड़भागी कौन है? जामवंत और बानरगण, ये अति बड़भागी। अच्छा, अति बड़भागी किसे कहते हैं? बड़भागी अगर सत्संगी होते हैं, तो अति बड़भागी वो होते हैं जिनका अत्यधिक प्रेम भगवान से जुड़ जाए। जामवंत जी का जुड़ गया, बानरों का भी राम जी से प्रेम जुड़ गया। इसका उत्तर कहां मिला? इसका उत्तर भी पंडित जी रामचरितमानस में आया। आहा, गोस्वामी जी लिखते हैं, हम सब सेवक अति बड़ भागी, हम सब सेवक अति बड़ भागी। जामवंत बानर कह रहे, हे राम जी, हम सब सेवक बहुत बड़ भागी हैं, क्योंकि सेवा मिल रही। हम सब सेवक अति बड़ भागी, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म है अनुरागी, संतत ब्रह्म अनुरागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। जामवंत बानरगढ़ कहते हैं हम लोग अति बड़भागी। तो बड़भागी कौन? जो सत्संग से जुड़े वो बड़भागी। पर अति बड़भागी कौन? जो सत्संग सुन करके सत्संग से प्रेम करने लगे, जिसे राम जी से लवेरिया हो जाए, वो अति बड़भागी। तो बड़भागी, अति बड़भागी। पर अब तीसरा आता है अतिशय बड़भागी। बड़भागी हो गए, अति बड़भागी हो गए, पर ये अतिशय बड़भागी कौन है और किसे कहते हैं अतिशय बड़भागी? बाबा कहते हैं, भैया अतिशय बड़भागी वो है जो भगवान से प्रेम तो करता हो, पर जो भगवान की तरफ चले और भगवान भी उसकी तरफ आए, वो अतिशय बड़भागी। जो कथा सुने
वो बड़भागी जो कथा सुनकर प्रभु की तरफ बढ़े वो अति बड़भागी, लेकिन जिनकी तरफ प्रभु ही बढ़ जावे वो अतिशय बड़भागी है। जो कथा सुने वो तो बड़भागी है, लेकिन कथा सुनकर जो प्रभु की तरफ जाए वो अति बड़भागी, लेकिन प्रभु जिनकी तरफ आए वो अतिशय बड़भागी। ऐसा कोई हुआ जिसकी तरफ प्रभु बढ़े? बोले हाँ। रामा रामा रखते रखते बीती रे मैया, मेरे राघव कब आओगे, मेरे राघव कब आओगे, भिलनी की डगरिया। रामा रामा रखते रखते बीती रे। तो बड़भागी अंगद हनुमान, अति बड़भागी जामवंत बानरगण, अतिशय बड़भागी सबरी निषादराज। अब सुनना आगे, हमने पांच प्रकार के बड़भागी कहे, बड़भागी अति बड़भागी अतिशय बड़भागी, लेकिन अब एक है परम बड़भागी। अब ये परम बड़भागी कौन है और किसे कहते हैं? बोले सत्संग सुनने वाले को अगर बड़भागी कहते हैं तो सत्संग सुनकर प्रभु की ओर जाने वाले को अति बड़भागी कहते हैं, और प्रभु की ओर जाने वाले को अगर अति बड़भागी कहते हैं तो प्रभु जिनकी ओर जाते उन्हें अतिशय बड़भागी कहते हैं। लेकिन भैया परम बड़भागी कौन? जो प्रभु के कारण अपना सब कुछ खो दें वो परम बड़भागी कहलाते हैं। जो जिनकी तरफ भगवान बढ़ रहे वो तो अतिशय बड़भागी है, लेकिन जो भगवान में ही लय हो गए वो परम बड़भागी। जैसे पानी होता है, पानी दूध में मिला दो तो दूध में मिलते ही पानी अपने अस्तित्व को खो देता है, लेकिन अपने अस्तित्व को पानी खोते ही दूध के समान होते ही दूध भी कहता भाई पानी तुमने हम में मिलकर अपने रूप को खो दिया, तो हम भी तुम्हें वचन देते हैं मित्रता निभाएंगे, अपने मोल बिकवाएंगे, अपने मोल बिकवाएंगे। तो पानी जब दूध में मिलता है तो वो अपने मोल बिकवाता है, और दूध से जब पानी कहता है कि मित्र हम तुम में मिले हो तुमने अपने मोल बिकवा दिया, तो हम भी मित्रता निभाएंगे, जब आग पर उबाले जाएंगे तो सबसे पहले आग बुझाने के लिए हम बाहर आएंगे, और जब आग पर दूध को रखा जाता तो भाप बनकर जल निकलता, और जब बाष्प बनकर के जल बाहर निकलता, और पानी से मित्रता जब दूध की अलग होती तो दूध उबलते हुए कहने लगता मित्र तुमने अपना अस्तित्व जलते हुए समय में सबसे पहले तुमने अपनी बलिदानी दी, तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, बर्तन से ऊपर आकर के आग को ही मिटाएंगे। पर दोनों मित्रता कितनी गहरी। तो बड़भागी कौन? जो सत्संग में बैठे वो बड़भागी, सत्संग में बैठकर जो भगवान की तरफ बढ़े वो अति बड़भागी, लेकिन जिस जो भगवान की तरफ बढ़े भगवान उसकी तरफ बढ़े तो वो भैया अतिशय बड़भागी, लेकिन जो भगवान की कथा को सुनकर भगवान की तरफ बढ़कर भगवान को पाकर भगवान में ही खो जाए वो परम बड़भागी कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये परम बड़भागी कौन हुआ? बड़भागी तो अंगद हनुमान, अति बड़भागी तो जामवंत बानरगण, और अतिशय बड़भागी भी भय, लेकिन ये परम बड़भागी कौन है? अतिशय बड़भागी सबरी आदि निषाद भय, तो परम बड़भागी कौन है? बोले भैया परम बड़भागी श्री जटायु जी महाराज हैं, जिन्होंने अपने आप को प्रभु में लय कर दिया। आहा, जटायु जी महाराज परम बड़भागी। परम बड़भागी क्यों? राम काज तन राम काज कारज तन त्यागी, सुरपुर गयऊ परम बड़भागी। रामायण कहती राम काज कारज तन त्यागी, सुरपुर गयों परम बड़भागी। अच्छा देखो, भारत में जब भारत की भगवती शक्ति को विदेशी राजा रावण, लंका का राजा रावण, हमारी जगत जननी भवानी आदि शक्ति माता सीता का हरण करके ले जा रहा था,
बड़े बड़े देवता थे भारत में, पर किसी ने बचाने का काम नहीं किया। लेकिन हमारा भारत कितना महान है कि विदेशी राजा को भी एक पक्षी ललकार देता है। खबरदार रावण, खबरदार, हमारी जगत जननी भवानी को लेकर जा रहे, खबरदार। रावण से छल किया, रावण ने छल किया, ललकारा, युद्ध हो गया। जटायु जी का युद्ध हुआ, रावण ने छल करके पंखों को काट दिया, शरीर फड़फड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया, दोनों तरफ के पंख कट गए तो घाव हो गया। जमीन पर गिरते ही जटायु जी की दोनों तरफ रेत के कण लग गए, रेत के कण सूखने पर और दर्द करने लगे। दोनों पैर ऊपर किए हुए जटायु जी पड़े हैं, राम 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 कहते हुए आर्त नाद करने लगे, रोने लगे। लोग कान भरने वाले गए, कान भरने वालों से सावधान रहना, ध्यान रखना, ये कान भरने वाले बहुत खतरनाक होते, ये दूसरों का घर बनता हुआ नहीं देख सकते, तुम्हारे घर में खुशियां नहीं देख सकते, ये कान भरने वाले बड़े खतरनाक। अब पहले के जमाने में तो कान भरते थे, आजकल मोबाइल से भरते। बदनाम करने के बहाने भी बड़े महान होते हैं, बदनाम करने के बहाने भी बड़े महान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं दीवालों के कान होते हैं। बदनाम करने के बहाने भी बड़े महान होते हैं, लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं दीवालों के कान होते हैं। पर भैया, कान भरने वालों से सावधान, ध्यान देना, ये कान भरने वाले बड़े खतरनाक। जटायु जी को भरने गए जब पंख कट गए, ए जटायु जी, राम 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 क्या लगा रखा था, राम 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 क्या, राम 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 बताओ, राम जी आ गए बचाने, पंख और कट गए। बड़े सीताराम 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 जपते थे, लो पंखा कट गए, तुम्हारे भगवान नहीं बचा पाए, हलुआ कहां है तुम्हारे भगवान जो सीताराम सीताराम जपते थे। सुनो, बुरा ना मानो जटायु जी, अब कान भरने वाले ने कहा, पंख होते तो तुम कम से कम अयोध्या जाकर दर्शन कर लेते, अब पंख नहीं है, हो गई दुर्दशा, इसीलिए हम भजन नहीं करते, कान भरने वाले ने कहा। पर जटायु जी का जवाब तुम्हारे लिए, सुनना सिडनी वालों, काम आएगा। जटायु जी आंखों में आंसू भर के कहते, भैया भला हुआ जो मेरे पंखा कट गए, भला हुआ जो मेरे पंख कट गए। कान भरने वाला चौंक गया, क्यों भला हुआ, मुस्कुराते हुए जटायु जी बोले, भैया अगर पंख होते तो हमें अयोध्या जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम जी को हमारे पास आना पड़ेगा। पंख होते तो हमें जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो प्रभु की जिम्मेवारी है, वो हमारे पास आएंगे। इसलिए भैया, बड़भागी कौन जो कथा सुने वो बड़भागी, अति बड़भागी कौन जो कथा सुनकर कथा पर चले प्रभु की ओर, वो अति बड़भागी। पर अतिशय बड़भागी कौन, प्रभु जिसकी तरफ चले वो अतिशय बड़भागी। पर परम बड़भागी कौन, जो भैया अपने प्राण प्रभु के लिए समर्पित कर दे, वो परम बड़भागी। लेकिन ये तो चार है, कोई दूसरा बड़भागी है ही नहीं, ऐसा कौन बड़भागी, ऐसे तो एक ही है। हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान जी के समान दूसरा बड़भागी क्यों नहीं, इतने बड़े बड़े बड़भागी बता दिए, पर हनुमान जी के समान कोई दूसरा बड़भागी क्यों नहीं है। भैया, प्राण त्यागने वाले, लय होने वाले बहुत हैं, कथा सुनने वाले बहुत हैं, प्रभु की ओर बढ़ने वाले बहुत हैं, और प्रभु जिनकी तरफ बढ़े ऐसे भी बहुत भक्त हैं। लेकिन हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं है जिससे कथा भी मिली हो और हनुमान जी के चरण भी मिले हों और हनुमान जी का काज भी मिला हो और राम काज भी प्राप्त हुआ, राम साथ भी प्राप्त हुआ, राम काज भी प्राप्त हुआ, इसलिए हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा बड़भागी। इसलिए हमने सुंदर कांड की महिमा में चौपाई, हनुमान सम नहीं बड़े भागी, दोनों हाथ उठा, सम नहीं बड़े।
दोनों हाथ उठा के गाओ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। इसीलिए हनुमान जी के समान कोई दूसरा बड़भागी नहीं है।